गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. द रिजल्ट विच वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव इज दैट टू प्रूव लॉग ऑफ जेड इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस आयटा थीटा, वेयर थीटा इज आर्ग्यूमेंट. जहाँ पर हमारे पास थीटा क्या है, इज आर्ग्यूमेंट. And mod z is equals to r. Is it right, student? यहाँ तक समझ आया. अब हमें पता अगर mod z r है, which means z is equals to r e iota theta, तभी mod z r होगा. ठीक है, now let us start its proof. By the definition of logarithmic function, हम क्या let करते हैं, let log of z be is equals to w. z क्या है, complex number. फिर उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मतलब W भी क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब ये किस फॉर्म का होगा, इट विल बी ऑफ द फॉर्म U प्लस आइटा V. ठीक है, और Z की वैल्यू क्या है, Z mod Z इज इक्वल्स टू R था, तो Z क्या हो गया, R e आइटा थीटा. मीन्स log ऑफ R e आइटा थीटा इज इक्वल्स टू U प्लस आइटा V, विच मीन्स R e आइटा थीटा इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ U प्लस आइटा V. And by using the property of exponential function, कौन सी property, that exponential of z1 plus z2 is equals to exponential of z1 multiplied with exponential of z2. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, we have r e iota theta is equals to exponential of u multiplied with exponential of iota v. That is, ये किस form में है, कि r e iota theta is equals to exponential u into e iota v. अब इसमें हम कंपेयरिंग करें तो क्या हो जाएगा, u is equals to r हो जाएगा, और e iota v किसके इक्वल हो जाएगा, e iota theta के. तो ये क्या इंप्लाई करेगा ऑन कंपेयरिंग, r is equals to u हो गया, एंड हम e iota v किसके इक्वल हो गया, e iota theta. ठीक है, मुझे तो log z की वैल्यू चाहिए. log z की वैल्यू चाहिए मतलब मुझे u और v की वैल्यू चाहिए. बट मुझे यहाँ पर क्या मेंशन है, दैट r इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ u, और यहाँ क्या मेंशन है, e आइटा v इज इक्वल टू e आइटा थीटा. विच मीन्स दैट यहाँ क्या आ जाएगा, log ऑफ r इज इक्वल टू u, और यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू थीटा. इन दोनों की वैल्यूज हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, वी विल सब्सटीट्यूट इन दिस. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव log of z is equals to log of r plus iota theta, which is log of z is equals to natural logarithm plus iota theta. Is it right, student? इतना समझ आया? ठीक है, now depending upon the quadrants हमारे पास arguments की values given होती हैं. क्या है, for first quadrant, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स. ठीक है, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट वी हैव आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाय x. फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, टू पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स. इज इट राइट स्टूडेंट, ये याद रखना. अब एज इफ अगर आपको दे रखा है वन प्लस आयोटा, वन प्लस आयोटा मीन्स ये x है और ये आयोटा y है. मीन्स एक्स वाई कहाँ लाई करेगा, एक्स वाई की वैल्यू क्या आई, वन कमा वन, तो कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, मतलब टेन इनवर्स वन बाय वन, दैट इज फाइव बाय फोर. ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास होता वन माइनस ऑफ आइटा, मतलब एक्स की वैल्यू वन, वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यही है. बट एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आपके पास उस केस में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस वन बाय एक्स, माइनस वन बाय वन, दैट इज टू पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस वन, और उससे सॉल्व करोगे, दैट इज टू पाई माइनस फाइव बाय फोर, एंड सॉल्व करोगे. ठीक है, मतलब अगर आपको मैंशनड है कि आपको
x प्लस आइटा वाई दे रखा है, तो एक्स वाई जहाँ लाई करेंगे, ये जो पॉइंट जहाँ लाई करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो आपको पॉइंट से पता चल जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एक नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट पता चल जाएगा, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो उसकी आर्ग्यूमेंट। इज इट राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट कम्स पावर ऑफ z, नेक्स्ट कम्स पावर ऑफ z की पावर a। ठीक है, वी डिफाइन अ फंक्शन z की पावर a ऑफ इक्वेशन z a इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल a log z, वेयर a z आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर a और z क्या है हमारे पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड log ऑफ z क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज दिस प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट, और थीटा इज आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर इन्होंने ये वैल्यू क्या दे रखी है, 2n π, वेयर अल्फा रिप्रेजेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू का यूज आप यहाँ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट z की पावर a इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, ब्रैकेट स्टार्ट a एज इट इज, साथ में ब्रैकेट स्टार्ट नेचुरल लॉगरिथम प्लस आयोटा अल्फा प्लस 2n π, यही आएगा। अब एक दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल a ln z mod z प्लस a आयोटा अल्फा प्लस 2n π, यही आएगा। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ a z1 प्लस z2 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ z2। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ z2, वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ a ln mod z प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ ए आईटा अल्फा प्लस 2n π, ये आएगा। अब इसमें भी आपके पास क्या होगा, ये एज इट इज ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ए आईटा अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो ए आईटा 2n π, दैट इज इसमें भी एक्सपोनेंशियल z1 प्लस z2 हो गया, विच कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल ऑफ z1 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ z2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल a ln mod ऑफ z मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ a आईटा अल्फा मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ a आईटा 2n π। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, विच मीन्स दैट कि ZA क्या है, एक मैनी वैल्यूड फंक्शन है। मैनी वैल्यूड फंक्शन क्यों है, बिकॉज हमारे पास ZA के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे जब हमारा n वेरी करेगा। जब n 1 होगा तो ZA की डिफरेंट वैल्यू आएगी, जब n 2 होगा तो ZA की डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ZA क्या हो गया मेरे पास, मैनी वैल्यूड फंक्शन, एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ZA एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ZA कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इन, लेट इट बी दिस बी इक्वेशन स्टार, तो इन इक्वेशन स्टार। इज इट राइट स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ आया? ठीक है, नाउ अब हम मानते हैं कि अगर इफ z इज इक्वल्स टू r e आइटा थीटा होता है, जहाँ पर थीटा क्या है हमारे पास, एक रियल कॉन्स्टेंट फंक्शन, देन log ऑफ z क्या होगा हमारे पास, नेचुरल लॉगरिथम mod z प्लस आइटा थीटा, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज log ऑफ z इज इक्वल्स टू log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। ठीक है, ये एक एनालिटिक फंक्शन है,
एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन है कि व्हेन आर इज पॉजिटिव, अगर आर पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा विल लाई बिटवीन थीटा नॉट टू थीटा नॉट प्लस टू पाई। एनालिटिक फंक्शन बेसिकली होता क्या है हमारे पास, एनालिटिक फंक्शन मीन्स अ फंक्शन इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। बेसिकली हमारे पास क्या होता है एनालिटिक फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट एंड ऑल्सो इट इज डिफरेंशिएबल एट द नेबरहुड ऑफ दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चलता है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ से मेंशन करेंगे दैट इट इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, व्हेन आर इज पॉजिटिव, अगर आर पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, थीटा की वैल्यू लाई करेगी थीटा नॉट और थीटा नॉट प्लस टू बाय में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। नाउ वी नो दैट कि जेड की पावर ए क्या है, इट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ए लॉग ऑफ जेड। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैलिड फंक्शन है तो इसका मतलब द फंक्शन z की पावर a इन विच log z इज गिवन, किससे गिवन हो रहा है, इज गिवन बाय इक्वेशन, लेट इट बी वन, इसको वन मान लेते हैं, इज गिवन बाय इक्वेशन वन इज अ सिंगल वैलिड एंड एनालिटिक इन डोमेन डी। ठीक है, अगर एनालिटिक है तो मीन्स इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो हमने क्या करा, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस मीन्स डी बाई डी जेड ऑफ एक्सपोनेंशियल ए लॉग ऑफ जेड। ई की पार ए जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पार ए जेड इंटू इसका डेरिवेटिव दैट इज इट। तो अब यहाँ पर यह एज इट इज आएगा एक्सपोनेंशियल ए लॉग ऑफ जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए लॉग जेड। ठीक है, विच मीन्स इट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए लॉग जेड मल्टीप्लाइड विद ए और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाय जेड। तो हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लाइड विद ए डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, अब जेड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, जेड कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ जेड, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ऐसे क्यों लिखा, सो दैट मैं प्रॉपर्टी का यूज़ कर रख सकूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज वी हैव ए एक्सपोनेंशियल ए लॉग जेड डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ जेड, दैट इज ए एक्सपोनेंशियल ए लॉग जेड एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ जेड का इनवर्स, दैट इज वी हैव ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए लॉग जेड। ठीक है, इनवर्स है आपके पास ई जेड का इनवर्स मीन्स ई माइनस ऑफ जेड, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ लॉग जेड। ठीक है, ना एक्सपोनेंशियल क्या है आपके पास, एक्सपोनेंशियल ए लॉग जेड मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल माइनस लॉग जेड। तो ना यूजिंग द प्रॉपर्टी कौन सी, that exponential of z1 minus z2 is equals to exponential of z1 multiplied with exponential of minus z2। अब ये property कैसे बनी, यहाँ पर आपके पास ये होता ना exponential z1 plus z2, but z2 की जगह क्या है minus में, तो यहाँ minus z2 कर दिए, तो क्या होता है plus में exponential of z1 plus multiplied with exponential of z2, z2 की जगह क्या आ रहा है minus z2, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए लॉग जेड
माइनस लॉग ऑफ जेड। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ जेड कॉमन लोगे तो यू विल हैव ए माइनस वन। ठीक है, दैट इज इस लॉग ऑफ जेड मल्टीप्लाइड विद दिस, यही आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ए माइनस वन लॉग ऑफ जेड। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट लॉग ऑफ ए की पावर बी इज बी लॉग ए, तो यहाँ पर अगर हम ये अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्सपोनेंशियल लॉग जेड की पावर ए माइनस वन। यहाँ पर हमने ऐसे प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई करी, सो दैट एक्सपोनेंशियल लॉग हमारे पास क्या बन जाए, कैंसिल आउट होके जेड ए माइनस वन ही रह जाए हमारे पास, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू ए जेड ए माइनस ऑफ वन। तो अब हमने यहाँ पर थीटा नॉट लिया था ना, कि हमारा जो थीटा है वो लाई कर रहा है बिटवीन थीटा नॉट एंड थीटा नॉट प्लस टू पाई। तो हमने इन पर्टिकुलरली क्या कंसिडर कर लिया, लेट इट बी कि जो हमारे पास थीटा नॉट की वैल्यू इट इज़ माइनस वाई, और थीटा किस में लाई कर रहा है हमारे पास, थीटा नॉट और थीटा नॉट प्लस टू पाई में, विच मीन्स हमारे थीटा की वैल्यू किस में लाई कर रही है, इट लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। तो इसका मतलब द फंक्शन z की पावर a विच इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a log z वेयर z इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ऑब्वियसली हमने अभी मेंशन करा था ना कि ये क्या है, एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है गिवन बाय z की पावर a इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a log z एंड इट इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड किसके साथ है, विद थीटा इन डोमेन d वेयर थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। यहाँ पर सिंगल वैल्यूड किसके रिस्पेक्ट में है, विद थीटा, और हमने यहाँ पर मल्टी वैल्यूड कब कहा था, जैसे क्योंकि n की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास z की बहुत डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, तो उसके बेसिस पे हमने बोल दिया था इट इज़ अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, और थीटा विद थीटा वो क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ योर पावर ऑफ जेड की पावर ए। ठीक है, थैंक यू क्लास।